अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बच्चों हमसे बोला गया है कि इनमें से मोस्ट पोलर कौन सा है। पोलर का मतलब कि जो आयोनाइज्ड हो जाए, आयोनाइजेशन फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ऑप्शन नंबर सी में आपको दोनों रिंग एरोमेटिक दिख रहा है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर दोनों का दोनों एरोमेटिक है तो स्वाभाविक बात है भाई, दोनों का दोनों रिंग जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉन को एक रिंग से दूसरे रिंग में आसानी से भेजना नहीं चाहेगा। वो इसलिए क्योंकि ऐसा करना से उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो सकती है और एरोमेटिक कंपाउंड जो है हाईली स्टेबल होता है। तो हाईली स्टेबल होता है तो ये जिस फॉर्म में है ये इसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी इस फॉर्म। ऐसे अगर आप डी के बारे में सोचिए तो देखिए डी जो है क्या है, डी भी एक आपको पता है कि इस तरह से साइक्लोपेंटाडाइन होता है और उस पर एनायन यहाँ पर होते हैं, तो ये क्या होता है, एरोमेटिक। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए में आइए, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है कि ये रिंग तो है एंटी एरोमेटिक, आप जानते हैं कि ये जो है नॉन प्लेनर होता है ना, टब शेप में होता है। लेकिन ये रिंग क्या है, ये रिंग क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक है। तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का जो है डीलोकलाइजेशन एक रिंग से दूसरे रिंग में नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि उससे इसके एरोमेटिसिटी पर खतरा पहुंच सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में गौर से आप देखिए तो ये देखिए साइक्लो हेप्टा ट्राइन सिस्टम है, ठीक है। और आपको पता है कि वैसी स्थिति में अगर ये sp2, ये वाला कार्बन अगर sp2 होता है या यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम जैसे देखिए यहाँ पर है, ये एंटी एरोमेटिक है ना। और इस एंटी एरोमेटिक में आपको पता है कि ये एजुलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एजुलीन बोलते हैं इसको। तो अगर यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से ये ठीक है, यहाँ पर यहाँ ऐसा 1 2 3 4 5, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप समझ लीजिए भावनाओं को। फिर देखिए इधर से, फिर इधर से, फिर इधर, और कुछ ऐसा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये तो जैसे है वैसे का वैसे है। अब गौर से देखिए ऐसा होने पर क्या हुआ ना, पहले क्या था, पहले क्या था, सुनिए, पहले क्या था कि ये रिंग तो एरोमेटिक था लेकिन ये रिंग एंटी एरोमेटिक था क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो चूंकि ये एंटी एरोमेटिक है तो हमने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करने का कोशिश किया है ना, कि क्या पता पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाए। और वैसे भी आपको पता है कि एजुलीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। लेकिन इसके एरोमेटिक होने के लिए क्या है कि मतलब साइक्लोपेंटाडाइन सिस्टम पर एनायन का बनना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से हमने क्या किया, इस पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके इस रिंग में लाया, ठीक है। अब ऐसा करने से देखिए हेप्टा साइक्लो हेप्टा ट्राइन टाइप का सिस्टम बन गया कैटायनिक फॉर्म में और साइक्लोपेंटाडाइन बन गया एनायनिक फॉर्म में। दोनों का दोनों रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। और एरोमेटिक तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस रिंग में, फर्स्ट वाले रिंग में, इस वाले रिंग में। और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो गया है ना। तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड जो है पोलर है। तो अब आपके मन में एक बात जरूर उठा होगा, नहीं उठा होगा तो उठना चाहिए कि सर फिर आपने वही काम ए में क्यों नहीं किया है ना, ए में भी तो एक एरोमेटिक है और दूसरे में नॉन एरोमेटिक है। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप जानते हो कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो होता है वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहने के लिए देखने में तो ये लगता है एंटी एरोमेटिक लेकिन सही मायने में ये नॉन प्लेनर होता है। तो ये नॉन प्लेनर है, इसका मतलब एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले ना कंपाउंड का क्या होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है। तो ये प्लेनर तो हो नहीं सकता है, तो जब ये प्लेनर हो ही नहीं सकता है तो क्यों हम इस
इस दूसरे वाले स्ट्रक्चर जो खुद में एक एरोमेटिक कंपाउंड है इसकी ऐसी तैसी करेंगे। कहने का मतलब है कि इसके एरोमेटिसिटी पर खतरा क्यों पहुंचाएंगे, समझ गए बात को। तो इसीलिए यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं हुआ और यहाँ पर पोलराइजेशन बहुत ही आसानी से होगा। थर्ड वाले में क्यों नहीं हुआ, दोनों का दोनों रिंग ही एरोमेटिक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तो मैंने आपको बार बार ही बताया कि सामने बैठा है एच प्लस, बोले तो प्रोटोन उसको बोलते हैं, और प्रोटोन जो है एच प्लस के फॉर्म में है, तो इसका मतलब बेचारा भूखा नंगा है। ठीक है, भूखा नंगा है मतलब इलेक्ट्रॉन जो था उसके पास वो भी कोई लेकर चला गया, तभी तो एच प्लस बना है। ठीक है, अब एच प्लस इस फिराक में कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इधर से इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन कौन है भाई, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले नाइट्रोजन, फिर यहां पर भी देखिए नाइट्रोजन और यहां पर भी नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए तीनों की स्थिति को देखिए, विरह को देखिए। यहां पर जो फर्स्ट वाला है नाइट्रोजन, ये sp3 है। दूसरा वाला जो है ये है, चूंकि इसका देखिए इसका लोन पेयर जो है यहां पर इसके साथ जो है डीलोकलाइजेशन कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो ये sp2 है। ठीक है, और ये क्या है, sp2 है। अच्छा, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि देखिए यहाँ फर्स्ट वाले का जो लोन पेयर है ना वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज मतलब वो किसी के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है ना। एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा है रखा हुआ है, और एक व्यक्ति के पास जो है पैसा है लेकिन वो मार्केट में दिया हुआ है, हम मांगने के लिए गए दोनों के पास बारी बारी, तो कौन देगा, जिसके पास तुरंत रखा हुआ दे देगा, और जिसका पैसा मार्केट में घूम रहा है वो बोलेगा अरे यार इंतजाम करता हूँ फिर ला के देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो इसे जब जब भी कोई पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है ना तो वो मार्केट वाली बात ही हो जाती है, मतलब उसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना रेजोनेंस के दरमियान जो है मार्केट में घूमता है। ठीक है, तो ये देखिए हम मार्केट मतलब यही है। तो यहाँ पर लोन पेयर जो है ये क्या है कि इसका डीलोकलाइज है, बोले तो घूम रहा है। अब थर्ड वाले में देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर है ना ये लोकलाइज है, तो जहाँ का लोन पेयर स्थिर होता है, बोले तो लोकलाइज होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होती है डीलोकलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। क्यों, किसी का पैसा जो है मार्केट में गया हुआ है, किसी के जेब में रखा हुआ है, तो वो फट से आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, लेकिन अब कहने का मतलब यह है कि अगर वाई और जेड में हम तुलना करें sp2 नाइट्रोजन वाले में, तो जेड का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो वाई से ज्यादा है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्स और जेड में। एक्स और जेड में देखिए यहां पर ये sp3 है और ये sp2 नाइट्रोजन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। ठीक है, इनवर्सली क्यों, क्योंकि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो अपने लोन पेयर को उतना कस के पकड़े हुए रहेगा कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए जाने नहीं दूंगा, समझ गए बात को। तो sp3 नाइट्रोजन जो है ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, फट से भेज देगा, कहेगा ले जाओ भाई हमारा तो इसके ऊपर कोई पकड़ ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक्स और जेड के पास दोनों के सामने जब प्रोटोन आएगा और दोनों जब झटकेगा उसको पकड़ने के लिए, तो एक्स वाला जो लोन पेयर है वो जल्दी पकड़ लेगा। क्यों, जेड वाला जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो उसको उसको उतना ज्यादा छूट नहीं है, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़े हुए रहेगा। तो एक्स का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, एक्स का होगा, फिर उसके बाद जेड का होगा, और फिर वाई का होगा। वाई का इसलिए सबसे कम हुआ क्योंकि उसका लोन पेयर क्या है यहाँ पर, डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज मतलब उसके पास नहीं है, वो मार्केट में घूम टहल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स जेड वाई।